हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नोमैडिक जोनी। और आज मैं हूँ गुलमर्ग कश्मीर में। आप देख सकते हो व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली, आप इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, नहीं कर रहे तो फॉलो कर लो। लिंक है जो नोमैडिक जोनी यूज़र नेम है, मैं दे दूँगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में। आज इंस्टा पे स्टोरी डाली तो मेरे पास 2, 3, 4, 5 काफ़ी मैसेजेज आए कि यार एक गुलमर्ग की ट्रैवल गाइड बनाओ, मान लो कि कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करो कि हम आए तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चार्ज लगेगा, क्या क्या होगा। तो ये एक टाइप से इन्फॉर्मेशन वीडियो है, कोई खास ब्लॉगिंग नहीं करूँगा मैं इसमें और गुलमर्ग दिखाऊँगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम इन्फॉर्मेशन से रूम। तो देखो मैं तो रुक रहा हूँ मीर भाई के साथ उनके घर पर होम स्टे में। तो रुकने के लिए हम यहाँ के लोकल बंदों से जानेंगे सारी चीज़ें। हमारे साथ है उमर भाई, कैमरे में शर्माते थे मैं, शर्माते हो, आश्रम निकालेंगे आपकी। तो बैग निकालता हूँ, भारी हो रहा है। तो उमर भाई आज हमें इन्फॉर्मेशन बताएंगे गुलमर्ग की। ये कैमरे में शर्माते हैं, आज इनकी शर्म थोड़ी कम करेंगे। तो फर्स्ट चीज ये बताओ कि गुलमर्ग में अपने को रूम चाहिए तो कितने से स्टार्ट हो जाता है और कितने तक मिल जाता है? जैसे हट्स बनी हुई है, हट्स महंगी रहती है, वो विंटर के वास्ते ठीक ठाक है। जैसे पूरी आपको फिर वो लेना है वो तकरीबन एक मंथ के वास्ते आप लेते हो तो अराउंड 90,000 तक होएगा। एक मंथ 90,000 रुपये महीना, यानी 3,000 रुपये डिपार्टमेंट की जो हट्स है। अच्छा, और एक दो चीज़ें और, ATV का क्या चार्ज रहता है यहाँ से फेज वन तक का? 3,000 रुपीज़। बार्गेनिंग चलती है? हाँ, बार्गेनिंग पहले 4,000 होएगा, बार्गेनिंग करके तो बता रहा हूँ 3,000 देख लो। अच्छा, और हॉर्स का यहाँ से फेज वन 1500 तक होएगा, 1500 तक। और गंडोला का फेज वन से फेज टू, क्योंकि मैं बता दूं ग्राउंड से फेज वन की गंडोला राइड अभी बंद है क्योंकि एक टेक्निकल इशू आ गया था और अब तक सॉल्व नहीं हुआ। एक महीना हो गया और अब तक सॉल्व नहीं हुआ। तो फेज वन से फेज टू का गंडोला का कितना चार्ज पाएगा? फेज वन का है राउंड नहीं, वो है उसका है 750-740 और सेकेंड वाले का है 950। यानी फेज वन से, यहाँ से फेज वन आप जा सकते हो घोड़े पे या ATV पे, उसके बाद आगे 950 दे के सेकंड ऊपर। अच्छा, और यहाँ पर तक पहुँचने के लिए श्रीनगर से कैसे पहुँच सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे? पहले श्रीनगर से आपको शेयरिंग टैक्सी लेना है। शेयरिंग टैक्सी लेना है श्रीनगर मंडी से टंगमर्ग। श्रीनगर मुंडी नाम से एक जगह है श्रीनगर में, वहाँ से टंगमार्ग की एंड देन टंगमार्ग टू गुलमर्ग। वो श्रीनगर से आपको देना पड़ेगा ये कुछ 70 रुपीज़ और फिर टंगमार्ग से गुलमर्ग 40 रुपीज़। मैं भी देख आया हूँ, मेरे को पता है। धूप बढ़ गई है, कोई ना, सर्दी में धूप सही रहती है। अच्छा, यहाँ गुलमर्ग में और क्या क्या चीज़ें करने वाली? ATV है, कैंपिंग है, हॉर्स राइड कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, स्नो बाइकिंग कर सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो, स्नोबोर्डिंग भी कर सकते हो, बोर्डिंग भी कर सकते हो। तो थोड़ा स्ट्रॉबेरी वैली के बारे में बताओ। आज मैं स्ट्रॉबेरी वैली गया, आपने वीडियो नहीं देखी हो तो लास्ट वीडियो में थी। तो सबसे अच्छी जगह है गुलमर्ग की स्ट्रॉबेरी वैली। तो वहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या चीज़ है वहाँ देखने वाली? वहाँ पे रिवर है, अच्छे मेडोज है, कैंपिंग कर सकते हो आप। कैंपिंग कर सकते हो, कैंपिंग अलाउ है वहाँ? यहाँ अलाउ नहीं है कैंपिंग। हाँ, वो आउटर में आता है तो आप वहाँ कर सकते हो, इनर में अलाउड नहीं है। आप करवाते हो कैंपिंग? हाँ बिल्कुल, कैंपिंग करवाते। तो उमर भाई कैंपिंग करवाते हैं, आप gulmargriders.com पे जाके चेक कर सकते हो।
और चीजें स्ट्रॉबेरी वैली के अलावा, स्ट्रॉबेरी वैली के अलावा बूटा पथरी, हाँ बूटा पथरी भी जा सकते हो, वो पहले बंद था अभी खुला है बूटा पथरी, वहाँ पे गया वो कॉर्ड बाइक से जा सकते हो, और कॉर्ड बाइक की एटीवी, हाँ एटीवी से जा सकते हो, कॉर्ड बाइक कौन सी होती है, कॉर्ड बाइक ये एटीवी है, एटीवी को कहते हैं, ये एटीवी है, एटीवी की वीडियो आएगी आज, करेंगे एटीवी राइड। और फैमिली के लिए कैसे, मतलब फैमिली आए तो यहाँ वगैरह एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं, एक फैमिली फैमिली बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं करेगी, वो बजट के हिसाब से चलते हैं, तो होटल वो नॉर्मल का लेंगे, कोई होटल नॉर्मल ले सकते हैं, फैमिली के साथ आप कभी आओ तो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं या एटीवी का राइड कर सकते हैं, एटीवी राइड कर सकते हैं, और जाना चाहे तो स्ट्रॉबेरी वैली भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, मैं खुद जाके आया हूँ अभी अभी, स्ट्रॉबेरी वैली भी जा सकते हैं आप, एटीवी से जा सकते हैं और हॉर्स से भी जा सकते हैं, हॉर्स से भी जा सकते हैं, एटीवी से भी जा सकते हैं, और कुछ यहाँ पर जो हम कर सकें, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, नहाते ठंडे पानी में, ठंडे पानी में नहाना, हाँ वाटरफॉल है यहाँ एक मैंने सुना है, कहाँ है, वाटरफॉल भी है इधर से, तो हम फेज वन की तरफ जाते हैं, तब आता है रास्ता, फिर नहीं फेज वन की तरफ से, वो फेज वन से उसकी एक अलग राइड, उसकी अलग राइड है, उसकी जंगल राइड आती है, जंगल राइड है, तो फेज आपको वाटरफॉल देखना है तो वहाँ भी जा सकते हो। अच्छा टंग मार्ग के आजू बाजू कोई जगह है, आजू बाजू मतलब आस पास का देख रहे हो तो द्रंग है वाटरफॉल, द्रंग में है वाटरफॉल, द्रंग मैं गया नहीं कल जाऊंगा, अच्छा यहाँ पे जो ट्रैक करना है वो अलपत्थर लेक का ट्रैक है, अलपत्थर लेक का ट्रैक कर सकते हो, फोर डेज का एक है, कौन सा तोसा मैदान, नहीं नहीं फोर डेज का है ये, सनशाइन माउंटेन पे, सनशाइन माउंटेन का फोर डेज का है, अलपत्थर लेक ट्रैक की वीडियो किसी ने ना देखी हो वो भी आई हुई है, देख लीजिए देख लो प्रमोशन चल रही है, और चीज कुछ मोबाइल नेटवर्क के बारे में बताओ, मोबाइल नेटवर्क क्या सीन रहता है, अच्छा है, आप एक जियो सिम अपने साथ ले आए, पोस्ट पे लगाना है, तो जियो के नेटवर्क अच्छे हैं, एयरटेल के अच्छे हैं, अगर एयरटेल के नहीं है, एयरटेल के गुलमर्ग में चलेंगे, स्ट्रॉबेरी वैली में नहीं चलेंगे, और गंडोला का जो फर्स्ट लेवल है वहाँ पे भी नहीं चलेंगे, माउंटेन पे एयरटेल के थोड़े कम है यानी, और जो सिम कार्ड है वो मतलब बाकी बाहर की नहीं चलेगी, आपको जम्मू कश्मीर की लेनी पड़ेगी, और बाहर की पोस्टपेड चलेगी, यानी जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली की पोस्टपेड सिम कार्ड यहाँ चलेगी, प्रीपेड नहीं चलेगी, प्रीपेड चलानी हो तो आपको यहाँ की लेनी पड़ेगी, यहाँ टूरिस्ट सिम कार्ड मिल जाएगी 50 से 100 रुपये की, हाँ मिल जाएगी एयरटेल मिल जाएगी, जियो नहीं, जियो थोड़ी महंगी मिलेगी, कोई ना कोई मेरी तरह बसने आया हो तो जियो ले लेना, मैं यहाँ पे महीने के लिए आ रहे हो जॉनी भाई की तरह तो आ जाओ तो मिल जाएगा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, सब चीज़ अरेंज करवा देंगे। अच्छा कोई एक बंदा ऐसा हो जिसको एटीवी पे ऊपर तक नहीं जाना हो, टॉप तक सिर्फ चला नहीं हो थोड़ी दूर, तो क्या चार्ज रहता है, ऑफ रोड या ऑन रोड कह रहे हो, ऑन रोड लाइक एक चक्कर यहाँ का निकालना हो तो लोकल साइड सीन में फुल राउंड कर सकता है 2000 वाला, 2500 फाइनल होता है उसका, उससे कम है 1800 वाला है 1500 में वो करवा देते हैं, यानी अब एटीवी 1500 से स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक उससे शॉर्ट भी है 1000 वाली भी है, लेकिन वो बहुत कम है ऑफ रोड नहीं है, तो वही बात है कि आपको करनी हो फेज वन तक नहीं जाना और एटीवी चला के देखनी हो तो आप सस्ते वाला पैकेज भी ले सकते हो, कोई ये नहीं है कि आपको 3000 रुपये लगा के ही ऊपर तक जाना है, सस्ते में भी जा सकते हो, घोड़े पे भी यही सीन होगा, सस्ते में भी, हाँ घोड़ा घोड़े में भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो, जैसे 700-800 से स्टार्ट होगा, फिर कितना आप दे सकते हो, कितनी बड़ी राइड कर सकते हो, और सब राइड पे डिपेंड करता है, यानी जितना ऊपर तक जाना है उतने चार्जेज है, जितना नहीं जाना चार्जेज कम है। अब एटीवी एक ही खड़ी है यहाँ पे, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, तो एटीवी के लिए आना हो तो थोड़ा जल्दी आना, निकल जाती है, मैं भी वेट कर रहा हूँ, हाँ ये बात अलग है कि मैं क्लाइंट नहीं हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर कर सके, लाइक गुलमर्ग आई तो एक अपना जैकेट साथ में लेके आइए, क्योंकि हाँ बढ़िया वाला जैकेट, हाँ ये वाला जैकेट कोई भी ले सकते हो, नहीं है वेदर का कोई भरोसा नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अलपत्थर लेक वाली आपने वीडियो नहीं देखी तो उसमें जैसे कि हमने जस्ट टेंट लगाया, टेंट लगाते ही हेलस्टॉर्म स्टार्ट हो गए, ओले गिरने स्टार्ट हो गए, बहुत जोर से गिरे, तो जैकेट या एक रेनकोट कुछ इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। अभी जून का महीना है, जून ख़त्म होने वाला है और बाकी इंडिया में भयंकर गर्मी है और यहाँ पर इतनी ठंड है कि मैंने 1-2-3 लेयर पहनी हुई है और इनको थोड़ी कम लग रही है ठंड, क्योंकि अभी अभी ट्रैकिंग करके आए हैं स्ट्रॉबेरी वैली तक की।
सो ये इन्फॉर्मेशन थी गुलमर्ग कश्मीर के बारे में सब कुछ, एक लोकल बंदे से हमने सब कुछ जाना। मैं बताता तो शायद कुछ कम बता पाता, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई। और उमर भाई थोड़े कैमरे में शर्माते थे, आज उनको कैमरे में भी खोल दिया। तो आप आओ, बहुत अच्छी जगह है। लोग बहुत सारे फेक बातें बोलते हैं कि अनसेफ है, अनसेफ है। मेरे को आज लगभग 12 दिन हो गए और मैं मज़े से रह रहा हूँ, सब चीज़ें मज़ेदार चल रही है। काफ़ी एडवेंचर किया मैंने, काफ़ी ऊपर तक गया मैं। 2 बार पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल लगभग 10-15-20 किलोमीटर पहले तक गया हूँ। 12 मुला गया मैं, काफ़ी ऑफबीट एरियाज एक्सप्लोर किए, काफ़ी अच्छी जगह है। तो गुलमर्ग से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बस कमेंट करो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा रिप्लाई करने की। एंड आपको बुक करना हो पैकेज या कहीं पे भी कुछ भी करना हो तो इनकी वेबसाइट है gulmargriders.com। ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, इनका सर्विस सच्ची में वाकई में बहुत अच्छी है, तभी मैं कह रहा हूँ कि एक बार करना क्लिक, जाना, कॉन्टैक्ट करना जब भी कभी गुलमर्ग आना हो। कह देना नोमैडिक जोनी ने भेजा है, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। हाँ, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना यार, ऐसी ट्रैवल वीडियोज़ औरों को भी दिखाएं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें हम आगे।